हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में जानने वाले हैं। ये आपका आर्टिकल है विवाद से विश्वास योजना से संबंधित। तो सर, लगभग सभी पक्षों को हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको बता दें, आखिर विवाद से विश्वास योजना है क्या? अभी तक आपकी तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख मामले लंबित हैं। कितने? 4.83 लाख मामलों। इसी मामलों को सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए इस योजना को लाया गया था। इस योजना में क्या होता था कि करदाताओं को केवल जो विवादित टैक्स राशि है उसी का भुगतान करने को कहा गया था। इस पर जो ब्याज और जुर्माने लगने की बात थी उसे पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। पहले इस योजना को 31 मार्च 2020 तक इसका भुगतान करना था, लेकिन आपको पता होगा कोरोना की वजह से केंद्रीय वित्त मंत्री साहब ने इसे बढ़ाकर अब कब तक कर दिया, 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विवाद से विश्वास योजना में बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की योजना को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं विधेयक के मुख्य प्रावधान। क्या था कि इसे भी लोकसभा में पास करा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में जब भेजा गया इस विधेयक को तो राज्यसभा ने पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। तो क्या होता है कि जब कोई विधेयक विधेयक या धन विधेयक होता है तो उसे राज्यसभा से अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब अगर राज्यसभा में पास ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक, केवल उसे विचार करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 110 के तहत आपके वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया। इसे आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके घर का मुखिया यानी कि आपके पिताजी अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये काम करना है। अगर आप मना भी करते हैं तो भी वो काम होगा, यानी कि तुमसे बस पूछ रहे हैं, तुम्हारा फैसला उसमें कोई मायने नहीं रखता है कि आप हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। तो यही राज्यसभा का हाल होता है वित्त विधेयक के मामले में। ठीक है, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास 2020 लोकसभा में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 फरवरी 2020 को पेश किया गया था। विधेयक में आयकर और निगम कर से संबंधित लंबित कर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया। अपीलकर्ता, इसके तहत अपीलकर्ता कौन होंगे? विधेयक एक अपीलकर्ता को आयकर प्राधिकरण या व्यक्ति या फिर दोनों के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी अपील 31 जनवरी 2020 तक किसी भी अपीलीय फोरम के समक्ष लंबित है। ये अपीलीय फोरम सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयुक्त है। समाधान तंत्र विधेयक, एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिए कि जब तक आपका राष्ट्रपति के सिग्नेचर यानी कि राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती है उस विधेयक पर किसी भी, तो वो विधेयक ही कहलाता है। जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है यानी कि सिग्नेचर होता है, वो कानून यानी कि अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो आपका जब तक राज्यसभा में लंबित है तब तक विधेयक ही कहलाएगा, लोकसभा में लंबित है तब तक विधेयक, जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी अधिनियम हो जाएगा वो। ठीक है, विधेयक एक समाधान तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसके तहत अपीलार्थी लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए नामित प्राधिकारी की को घोषणा पत्र दाखिल कर सकता है। इस तरह की घोषणा करने की अंतिम तिथि को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। घोषणा के आधार पर नामित प्राधिकारी विवाद के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा। घोषणा के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर देय राशि के विवरण वाले एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। अपीलकर्ता को प्रमाण पत्र प्राप्त होने की 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा। इस तरह के भुगतान के नामित प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए।
ऐसी राशि वापस नहीं होगी। एक बार नामित प्राधिकारी प्रमाण पत्र जारी करता है तो उसके उपरांत आयकर अपीलीय निराधिकरण और आयुक्त के समक्ष लंबित अपील को वापस ले लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष अपील या फिर याचिका के लंबित होने की स्थिति में अपीलकर्ता को अपील या याचिका वापस लेने की आवश्यकता होती है। विधान मुक्त आयुक्त प्रस्तावित संकल्प तंत्र का प्रबंधन करने के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में आयकर आयुक्त के पद से नीचे नहीं एक अधिकारी को नामित करेगा, यानी कि इस अधिकारी को आयकर आयुक्त के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं संकल्प के लिए देय राशि। विवादों के समाधान के लिए अपीलार्थी द्वारा देय राशि का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि राशि या तो विवाद कर के भुगतान से अथवा ब्याज जुर्माना या फिर शुल्क के भुगतान से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यदि 31 मार्च 2020 जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक किया गया है के बाद ऐसा भुगतान किया जाता है तो उसे एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। तालिका एक विवाद समाधान के लिए अपीलकर्ता द्वारा देय राशि को दर्शाया था, यानी कि जो डेट बढ़ा के कर दी गई आपकी 31 दिसंबर 2020 इसके बाद अगर भुगतान किया जाता है तो इस पर एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, यानी कि एक जुर्माना कह लीजिए। छूट संबंधी प्रावधान की हम लोग बात करें, विवाद समाधान के लिए अपीलकर्ता को आयकर अधिनियम 1961 आईटी अधिनियम सहित किसी भी कानून के तहत उस विवाद के संबंध में कोई उपाय या दावा करने के लिए अपने अधिकारों को माफ करने के लिए एक उपक्रम की आवश्यकता होती है। विवादों के संबंध में पहले से दायर किए गए ऐसे सभी दावों को घोषणा पत्र दाखिल करने से पहले वापस लेना चाहिए। बात करते हैं अपीलार्थी को प्रतिरक्षा। एक बार विवाद हल हो जाने के बाद नामित प्राधिकारी उस विवाद के संबंध में ब्याज या जुर्माना नहीं लगा सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी अपीलीय फॉर्म विवाद का हल होने के बाद उससे संबंधित संबंध में निर्णय नहीं कर सकता है। इस तरह के मामले को किसी भी कानून के तहत किसी भी कार्रवाई में फिर से खोला नहीं जा सकता है, जिसमें आईटी अधिनियम भी शामिल है आपका। ठीक है, एक बार विवाद समाधान होने के बाद इसे दोबारा ना तो खोला जा सकता है ना ही किसी तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, विवादों का पुनरुद्धार। अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया घोषणा पत्र अमान्य हो जाएगा अगर इसमें विवरण झूठे पाए जाते हैं, वह आईटी अधिनियम में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या फिर वह उस विवाद के संबंध में कोई उपाय या दावा चाहता है। यानी कि अपीलकर्ता द्वारा जो दायर किया गया घोषणा पत्र वो अमान्य यानी कि निरस्त हो जाएगा अगर उसने जो जानकारी दी उसमें झूठ बोला, उसने लिखा हो, वह आईटी अधिनियम में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता हो तब भी उसका घोषणा पत्र अमान्य हो जाएगा। ठीक है, वह उस विवाद के संबंध में कोई उपाय या दावा चाहते हैं तब भी उसका समाधान आमान यानी कि निरस्त हो जाएगा। ठीक है, नतीजतन घोषणा के आधार पर वह वापस ली गई सभी कार्यवाही और दावों को पुनर्जीवित किया गया माना जाएगा। बात करते हैं विवादों में शामिल नहीं है क्या क्या नहीं है। प्रस्तावित तंत्र कुछ विवादों को कवर नहीं करेगा। इनमें विवाद आपके शामिल हैं जहां घोषणा दायर करने से पहले अभियोजन शुरू किया गया, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें कुछ कानून जैसे कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हो या फिर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है या फिर नागरिक दायित्वों के प्रबंधन के लिए अघोषित विदेशी आय या संपत्ति को शामिल करना, इन्हें विवादों में शामिल नहीं किया जाएगा। इस योजना का महत्व की बात करें हम लोग, विधेयक में विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों को निपटाने का प्रस्ताव। सरकार को इस योजना के माध्यम से 90% आय विवादों को हल करने की उम्मीद है। यानी कि सरकार का यही मानना है कि जो ये राशि पड़ी हुई है 9.32 लाख कम से ये वापस हो जाए अच्छी से।
ठीक है, इसीलिए ये आपकी योजना लाई गई थी। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसके बारे में।